आज डेट है 17 मई 2023 और आज हम बात करने जा रहे हैं आज के जो इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों आज थोड़ा वीडियो थोड़ा लेट रिकॉर्ड हो रहा है कुछ कारण के वजह से, तो दैनिक जागरण में आज बहुत ही अच्छे अच्छे न्यूज है तो उसके बारे में हम भरपूर यहाँ पे क्या है डिस्कस करेंगे। तो यहाँ सबसे पहला फर्स्ट पेज पे हमारा है न्यूज कि भर्तियों में ख़त्म हुआ भाई भतीजावाद भ्रष्टाचार मोदी। देखिए क्या हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 45 स्थानों पर मंगलवार को आयोजित रोजगार मेला आयोजन किए थे, जिसका शुभारंभ करते हुए 71,206 जो है लोगों को नियुक्ति पत्र क्या है इन्होंने प्रदान किया है। देखिए लक्ष्य क्या है, लक्ष्य दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी देने का इनका है और हमको लगता है कि अब हमारा चल ही रहा है 2023, तो दिसंबर तक देखिए 10 लाख नौकरी दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। 16 मई 2023 तक 3 लाख 59 हज़ार जो है आपको नौकरी सरकारी नौकरी क्या मिला है, 3 लाख 59 हज़ार जो सरकारी नौकरी है 16 मई 2023 तक मिला है और इनका जो लक्ष्य जो है वो दिसंबर 2023 तक 10 लाख नौकरी देने का है। अब देखिए आगे क्या होता है, अभी तक तो क्या है ना बेरोजगारी का सीमा पार कर चुका है। देखिए ये न्यूज़ क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गरीबों के आरक्षण पर फिर सुप्रीम कोर्ट की मोहर। देखिए ध्यान से, अभी क्या है एक आरक्षण कोटा बनाया गया था EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, इसमें क्या है कि जो स्वर्ण से बिलोंग करते हैं, स्वर्ण कहने का मतलब है जो फॉरवर्ड क्लास हैं, तो जो फॉरवर्ड क्लास हैं उनको आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर हैं उनको 10% क्या है ना आरक्षण क्या है वहाँ पर दिया जा रहा था, जिसके विरोध में SC ST OBC ने क्या है वो एक तरीके से याचिका दायर की थी कि ये जो रिजर्वेशन जो मिला है वो जो रिजर्वेशन का जो समय रिजर्वेशन का जो सीमा है 50% कि 50% रिजर्वड है और 50% अनरिजर्वड है, तो 50% रिजर्वड के कैटेगरी को फुलफिल नहीं किया जाता है इसीलिए विरोध में इस याचिका दायर किया था। लेकिन क्या हुआ है कि सामान्य श्रेणी के जो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर लोग हैं उनको शैक्षणिक संस्थानों में जो प्रवेश और नौकरियों में 10% कहना आरक्षण दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से क्या है मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने EWS आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग खारिज कर दी है। प्रधान न्यायाधीश जिसका नाम क्या है जो चीफ जस्टिस है DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सभी पुनर्विचार याचिकाएं खारिज करते हुए कहा है कि फैसले में प्रत्यक्ष रूप से कोई खामी नज़र नहीं आती है। बात करते हैं कि 5 सदस्यीय संविधान पाठ ने 7 नवंबर 2022 को, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 7 नवंबर 2022 को 3-2 बहुमत से, एक तरफ मतलब 3 मतलब 5 अगर मान लीजिए जज बैठे तो 3 का मत एक तरफ है 2 का मत दूसरे तरफ तो उसको बोलते हैं 3-2 के बहुमत से फैसला देते हुए आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया था। और इसको याद कीजिएगा रखिएगा कि 103वां जो संविधान संशोधन है उसमें क्या है ना दिया गया है जो 10% आरक्षण जो है वो 103वां संविधान संशोधन के तहत क्या है उसको दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 दर्जन याचिकाएँ दाखिल हुई थी जिसमें EWS आरक्षण को सही ठहराने वाले फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी, लेकिन क्या इसको क्या है गलत क्या है ना ठहराया गया। नेक्स्ट बात करते हैं 7 नवंबर 2022 को जस्टिस महेश्वरी ने EWS आरक्षण को संविधान सम्मत घोषित करते हुए EWS आरक्षण को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं क्या है खारिज कर दी थी। उन्होंने कहा था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देना और उस आरक्षण में SC ST और OBC को बाहर रखने से संविधान का जो मूल ढांचा है उसका उल्लंघन नहीं होता है, तो यह संविधान के मूल ढांचे को नुकसान नहीं पहुंचाता है। जस्टिस महेश्वरी ने यह भी कहा था कि आरक्षण की जो 50% की अधिकतम सीमा का उल्लंघन के आधार पर ही इस आरक्षण को संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 50% की सीमा गैर लचीली नहीं है, मतलब 50% का जो आरक्षण का जो सीमा उसको पार नहीं करता है इसलिए इसको क्या है खारिज कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिए जस्टिस ललित की जगह पीठ में शामिल हुए थे जस्टिस DY चंद्रचूड़। देखिए क्या मामला है, 7 नवंबर 2022 का फैसला सुनाने वाली
पांच सदस्यीय पीठ में जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पार्डीवाला ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को सही ठहराया था, जबकि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश जिसका नाम क्या है यूयू ललित और जस्टिस एस क्या है हमारा रविंद्र भट्ट के ने बहुमत के फैसले से असहमति जताई थी। तो कौन कौन असहमति, जो यूयू ललित और जस्टिस एस रविंद्र जो है वो जो फैसला था 10% आरक्षण वाला, तो इन्होंने क्या है असहमति क्या है ना जताया था। सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि पुनर्विचार याचिका पर वही पीठ क्या है ना चैम्बर में सर्कुलेशन के जरिए मामले पर विचार करती है जिसने फैसला सुनाया होता है, लेकिन इस मामले में जस्टिस ललित सेवानिवृत्त हो मतलब वो रिटायर हो गए, तो इसलिए उनके उनको पुनर्विचार याचिकाओं पर जस्टिस ललित की जगह चीफ जस्टिस जो डीवाई चंद्रचूड़ को इस पीठ में क्या है शामिल किया गया है। आपको याद होगा कि हम एक दो दिन चार दिन पहले क्या है एक न्यूज़ डिस्कस किए थे जिसमें दिल्ली के बारे में हम बताए थे कि दिल्ली की जो सरकार जो है वो बहुत सारे जो पावर जो था वो लेफ्टिनेंट जनरल के पास, लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास उसके वहाँ पे था, लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर से क्या है ना बहुत सारे पावर क्या है इनको क्या है ना मिला था कि जो भी क्या है प्रशासन है तो उसको जो देख रेख करना है तो जो भी सरकार जो चुन कर आएगी दिल्ली में तो वो क्या है उस प्रशासन पे क्या है नियंत्रण क्या है वो रख सकती है। तो इसके लिए क्या है इन्होंने जो दिल्ली सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्या है ना दायर की थी, तो उसमें भी वही जो सर्कुलेशन जो था तो जस्टिस का वही सर्कुलेशन ने क्या है फैसला सुनाया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम जो कि आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट, आपके लिए इम्पोर्टेंट न्यूज है, ये देखिए बहुत दर्दनाक क्या है ना न्यूज़ है, पत्नी और बेटी की हत्या कर खुद को फंदे पर क्या ना झूला। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, देखिए कर्ज के बोझ तले दबे, देखिए कर्ज के बोझ तले दबे मेट्रो डिपो के सुपरवाइजर ने क्या है ना वारदात की है। यहाँ पे क्या हुआ कि इतना कर्ज उनका हो गया था कि वो क्या है अपने पति पत्नी अपने क्या है ना बेटी और खुद को क्या है ना फांसी पर क्या है वो लटक गए, और वो गूगल पे क्या है सर्च किए थे कि हाउ टू हैंग। तो इस तरीके का चीज़ें नहीं होना चाहिए समाज में, ये सब चीज़ें पे क्या ना रोक लगाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक मुद्दा बहुत ही क्या ज़्यादा गर्म रह रहा है, आप लोग मेट्रो में सफ़र किए होंगे दिल्ली मेट्रो में, तो दिल्ली मेट्रो में क्या है बहुत क्या उसको बोल सकते हैं कि बहुत अभी पहले बहुत क्या है वीडियो एक वायरल हुआ था जिसमें एक लड़का लड़की बहुत सारे अश्लील क्या है हरकतें करती नज़र आ रही थी। अब यही सब चीज़ को क्या है ना देख कर क्या हुआ है कि जो मेट्रो ट्रेन में अमर्यादित जो व्यवहार जो है करने वाले पर नज़र रखने के लिए दिल्ली पुलिस के जवानों के साथ दिल्ली मेट्रो रेल निगम के कर्मचारी गश्त करेंगे। उनके साथ मेट्रो में अमर्यादित व्यवहार करने वाले कई वीडियो सामने आए हैं। कुछ दिन पहले प्रसारित एक वीडियो में एक युवक युवती मेट्रो में यात्रा के दौरान अश्लील हरकत करते नजर आए थे, इसे लेकर यात्रियों ने नाराज़गी जताई थी, क्योंकि देखिए समाज है तो समाज में क्या है सबको देख कर चलना है। यहाँ पे देखिए 19 से जापान पापुआ न्यू गिनिया ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे मोदी। देखिए क्या हो रहा है यहाँ ध्यान से, 19 से जापान पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी। देखिए क्या हो रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी 19 मई से 24 मई तक तीन देशों की यात्रा पर जाएंगे। पीएम मोदी सबसे पहले 19 से 21 मई तक जापान के पीएम फुमियो किशिदा नाम है याद रखिए, जापान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है फुमियो किशिदा के आमंत्रण पर हिरोशिमा जाएंगे, जहां वह G7 जो कंट्री है उनकी बैठक में क्या करेंगे हिस्सा लेंगे। है यहां पीएम मोदी के अलावा जापान जैसे यहाँ पीएम मोदी के अलावा जैसे जापान हो गया, ब्रिटेन हो गया, इटली हो गया, कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, जर्मनी हो गया और फ्रांस के प्रमुख राष्ट्र प्रमुख भी होंगे। इस बैठक में मुख्य तौर पर यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद वैश्विक स्तर पर ऊर्जा खदान और उर्वरक संगठन मतलब उन दोनों के बीच जो यूक्रेन और रशिया में जो वार चल रहा है इसके ऊपर भी क्या है ना बात होगा। लेकिन अभी का हाल फिलहाल का जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय क्या है ना न्यूज़ है कि जो क्वाड का जो समिट जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है तो उसको कैंसिल कर दिया गया, और कैंसिल करने के पीछे ये रीज़न है कि जो बाइडेन जो है वो क्या है नहीं आ रहे हैं, तो जो बाइडेन के एब्सेंट में ये क्या है नहीं हो पाएगा, इसलिए ऑस्ट्रेलिया के जो पीएम है इसको क्या कर दिए हैं कैंसिल कर दिए हैं। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 12 करोड़ घरों तक पहुँचा टैप के पानी से, देखिए क्या है हाँ यहाँ पे देखिए क्या है कि जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं कि संचार साथी पोर्टल लॉन्च हुआ, जामताड़ा जैसे साइबर ठगी पर लगेगी अलार्म। देखिए जामताड़ा जो है ना एक झारखंड में एक शहर है जहाँ पे जामताड़ा से पूरे इंडिया में
क्राइम क्या है, मतलब वहाँ से सर्कुलेट होता है। देखिए वो साइबर क्राइम एक तरीके का क्या है, साइबर क्राइम। वहाँ के जो बच्चे हैं जो क्या करते हैं, लगातार यही काम ही कर रहे हैं। जो भी क्या ना बच्चे जवान होता है वो पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, उनको मोबाइल एक छोटा धरा दिया जाता है और उसके बाद क्या है सिम कार्ड, और वो किस तरीके से बुर्बक बना के पैसा क्या है ऐठना है, बस उनको ट्रेनिंग होता है। और उसी से तरह तरह का क्या है ना खोज कर, कभी कार्ड का क्या है बहाना करके, उसके बाद कभी UPI का यूज करके किसी तरीके से क्या है ना पैसा ठगे जा रहे हैं। और इसमें क्या है ना बहुत सारे क्या है ना पैसा क्या है लोगों से निकलते जा रहे हैं। अब इसी पर क्या है ना लगाम लगाने के लिए संचार साथी पोर्टल क्या है लॉन्च किया गया है। देखिए क्या है कि जामताड़ा स्टाइल में जो साइबर ठगी को अंजाम देने आसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरे के नाम पर या फर्जी तरीके से सिम खरीदने पर पकड़े जाने की इसमें पूरी संभावना है। देखिए कितना अच्छा आवाज़ भी आ रहा है कोयल का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से सरकार ने हाल ही में 87 करोड़ मोबाइल कनेक्शन की जांच की। इसमें 40 लाख संदिग्ध क्या है ना मोबाइल नंबर को पहचान किया गया, जिसमें 36 लाख कनेक्शन जो है उसको क्या कर दिया गया है, निष्क्रिय कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। सरकार की छानबीन में पाया गया है कि एक समान फ़ोटो पर, जो एक समान जो फ़ोटो है जो फर्जी तरीके से अलग अलग नाम से एक व्यक्ति को 6800 कनेक्शन जारी किए गए थे, 6800 कनेक्शन जारी किए गए थे। इसी तरह एक अन्य व्यक्ति ने फर्जी तरीके से 5300 कनेक्शन क्या है ना उन्होंने क्या है ना लिया है। तो देखिए कितना कितना क्या है ना फर्जीवाड़ा हो रहा है। देखिए क्या है कि फर्जी कनेक्शन वाले व्हाट्सअप कॉल भी नहीं कर पाएंगे। जैसे जो भी व्यक्ति अपने एक आदमी जो है वो क्या है ना फर्जी तरीके से बहुत सारे ID अगर यूज कर रहा है, तो उनको पकड़ा जाने के बाद, नंबर पकड़ा जाने के बाद उस नंबर से व्हाट्सअप कॉल भी नहीं हो पाएगा। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सिम बंद होने पर उस फ़ोन से व्हाट्सअप कॉल भी किया जा सकता है और फर्जीवाड़ा किया जा सकता है। मंत्रालय इस दिशा में व्हाट्सअप से बात कर रहा और व्हाट्सअप भी फर्जी यूजर्स को ब्लॉक करने पर राजी हो गया है। सिम बंद होने के बाद उस फ़ोन में व्हाट्सअप कॉल भी क्या है ना संभव नहीं होगा। वर्तमान में एक व्यक्ति को अधिकतम क्या है हमारा 9 कनेक्शन अपने नाम पर ले सकता है, लेकिन संचार मंत्रालय ने बताया है कि आने वाले समय में इसको क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। नेक्स्ट जो हमारा न्यूज है, केंद्र प्रस्ताव मानता है तो 2030 में वरिष्ठ अधिवक्ता KV विश्वनाथन होंगे, मतलब जो CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रहा है कि जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो होंगे एडवोकेट KV विश्वनाथन। देखिए बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट कलेजियम ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिसका नाम क्या था प्रशांत कुमार मिश्रा, और वरिष्ठ अधिवक्ता जिसका नाम है KV विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है। अगर सरकार इन सिफारिशों को मान लेता है तो 2030 में विश्वनाथन भारत के 58 जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या है बन सकते हैं। इन हालात में वह 9 महीने क्या है पद पर रहेंगे, CJI के पद पर 9 महीने तक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर रहेंगे। देखिए क्या हुआ, चौथे वकील होंगे CJI। देखिए क्या हो रहा है कि कोयम्बटूर के मूल निवासी जिसका नाम क्या था विश्वनाथन है, CJI बनते हैं तो जस्टिस MM सिकरी, UU ललित और PS नरसिम्हा के बाद वो CJI बनने वाले चौथे वकील होंगे। मतलब क्या है ना चौथे वकील होंगे जो CJI बनेंगे, उनके पहले जो है तीन जो है वो क्या कर चुके हैं ऑलरेडी क्या है ना वकील। यहाँ पे देख रहे हैं कि विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो आपको बनाया गया था संसद वो बन के तैयार है, तो इस महीने के अंत में क्या है ये आपको इसका उद्घाटन होगा। आपको लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज बता दें कि कोई पूछेगा कि जो संसद का कॉन्ट्रैक्ट किसको मिला था संसद बनाने का, तो टाटा ग्रुप को क्या है इसको मिला था, टाटा ग्रुप क्या है ना उस कॉन्ट्रैक्ट को लिया था और वो क्या है बनवा रही है। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट क्या न्यूज़ है, यहाँ पे है कि मानसून में देरी 4 जून को केरल में दे सकता है दस्तक। आपको पता है कि सबसे पहले क्या है ना मानसून क्या है ना केरल में आता है और उसके बाद धीरे धीरे पूरे इंडिया में क्या है ना ये फैलता है, तो इस बार क्या है ना मानसून थोड़ा लेट आ रहा है। और मानसून मौसम विभाग ने इस साल दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में थोड़ी देरी होने का पूर्वानुमान व्यक्त करते हुए कहा है कि इसके 4 जून तक क्या है ना केरल में दस्तक देने की संभावना है और उसके बाद धीरे धीरे क्या है ना और जगह क्या है ये हमारा जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे अल नीनो के बावजूद सामान्य बारिश की उम्मीद। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर अल नीनो होता क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ध्यान से,
अलनिनो के कारण क्या होता है कि तापमान गर्म होता है, अलनिनो के कारण तापमान गर्म होता है, वहीं लानिना के कारण तापमान ठंडा। दो तरीके का होता है, एक अलनिनो एक लानिना। तो अलनिनो के कारण जो आपको टेम्परेचर जो हॉट होता है और लानिना के कारण जो टेम्परेचर जो होता है वो कोल्ड होता है। अलनिनो जो है वो प्रशांत महासागर जो पैसिफिक ओशियन से असामान्य रूप से गर्म पानी की मौजूदगी के जलवायु प्रभाव का नाम है। अलनिनो के दौरान मध्य और पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में सतह का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। अलनिनो के कारण क्या होता है कि जो मध्य और पूर्वी जो भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर से सतह का जो पानी जो है वो क्या हो जाता है, असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो ये क्या कर रहे हैं, इसको क्या है ना, अलनिनो क्या है बता रहे हैं, अलनिनो इफेक्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, अलनिनो इफेक्ट। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं, ये तो आपको पता है कि DRDO विज्ञानी को 29 मई तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ये तो हम आपको डिस्कस भी किए हैं कि ये क्या है, हनी ट्रैप मामले में इनको क्या है पकड़ा गया है इस तरीके का वारदात क्या है ना देते हुए। अब हम नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं जो कि आपके यहाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 430 किलोमीटर लंबा मनाली लेह मार्ग में यातायात शुरू। देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपके टूरिस्ट क्या है ना पॉइंट ऑफ व्यू से, 430 किलोमीटर जो लंबे जो मनाली से लेकर लेह तक जो 430 किलोमीटर का जो यातायात शुरू हो गया है, हिमपात में क्या हुआ कि उसके कारण यह मार्ग जो है गत दिसंबर से ही क्या ना बंद हो गया था। यह मार्ग के बहाल हो जाने से लेह जो लद्दाख मनाली से जुड़ गया है, इस मार्ग के बहाल होने से जो लेह जो है वो लद्दाख मनाली से जुड़ गया है। अब यहाँ पे देखिए 5 दर्रों का निहारने का मिलेगा मौका। अगर आप लेह इस रूट से अगर आप जाते हैं तो आपको 5 पासेस का क्या है आपको निहारने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। तो यहाँ से सैलानी 4 अहम पर्वतीय रास्ता से गुजरेंगे। अटल टनल पहले आएगा को निहारते हुए सैलानी जिस्पा में रुकेंगे। लाहुल पहुँचते ही 16,000 फीट ऊँचे 12 लाचा दर्रे जो है उसका दीदार करेंगे। इस दर्रे को पार करते हुए सैलानी जम्मू कश्मीर की वादियों में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ 15,580 फीट ऊँचा नकीला और 16,500 फीट ऊँचा लाचुंगला सभी को रोमांचित करेगा। लेह की वादियों में प्रवेश करने के बाद दुनिया का सबसे खूबसूरत और आसमान से ऊंचा दिखने वाला 17,500 फीट तांगलांग ला अलग सा अनुभव आपको देगा, तांगलांग ला अलग सा एक अनुभव आपको देगा। तो यहाँ पे क्या है टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है ना ये बहुत अच्छा क्या न्यूज है, आप लोग यहाँ पे क्या है ना जा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अलग वादियों का जिक्र नहीं विकास पर होगी बात। अभी देखिए आपको पता है कि जो G20 समिट जो है उसका लास्ट बैठक जो है वो कहाँ पे होने वाला है, जम्मू कश्मीर में। तो इसके लेकर हम आपको बताएं कि जो वहाँ के आतंकवादी हैं वो इस तरीके से माहौल पैदा करना चाहते हैं ताकि इंडिया को विदेश में क्या है बहुत ही हीन भावना से देखा जाए। लेकिन क्या हुआ है कि G20 सम्मेलन भारत के लिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर में पर्यटन की एक नई दिशा देने का लिहाज से महत्वपूर्ण है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीर में पाकिस्तान और अन्य मुल्कों की भी भूमिका को समाप्त करने के लिहाज से भी बहुत अहम है। देखो कश्मीर में 1986 में भी ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच एक क्रिकेट मुकाबला हो चुका है। कब हुआ है, 1986 में ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच, जबकि जनवरी 2020 में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, लेकिन उनका महत्व G20 सम्मेलन के मुकाबले से सीमित था। तुर्कियां जो कि G20 में शामिल होने की सहमति देना पाकिस्तान के एजेंडे को नाकामी और भारत की मजबूती दर्शाता है। यह भारत की कश्मीरी मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ी जीत है। तो इस तरीके से क्या है अगर होता है तो वाकई में ये क्या है ना सबसे बड़ा जीत क्या है ना ये शामिल होगा। देखिए यहाँ पे एक है न्यूज कि जियो बीपी ने लॉन्च किया 1 रुपया सस्ता डीजल। तो जियो बीपी है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए जियो बीपी जो है एक लीगली क्या है ना रिलायंस क्या है ना बीपी मोबिलिटी लिमिटेड है। फॉर्मली इसको क्या है ना रिलायंस पेट्रोलियम के नाम से जाना जाता था, एक इंडियन पेट्रोलियम कंपनी है जो कि क्या है आपको क्या स्पेशलाइजेशन इसका ऑयल एंड क्या ना एनर्जी प्रोड्यूस करती है, जो कि मुकेश अंबानी इसका क्या है ना मालिक है। वन ऑफ द इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर क्या है ना कंपनी है। और बीपी का मतलब क्या होता है, ब्रिटिश क्या है ना पेट्रोलियम क्या होता है, बीपी का मतलब क्या होता है ब्रिटिश क्या होता है पेट्रोलियम। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं, हिंद प्रशांत क्षेत्र में जुड़े मुद्दों पर साझा हित साधने में जुटे भारत और क्या है ना यूरोपियन यूनियन। देखिए अभी यूरोपियन यूनियन में क्या है ना एस जयशंकर के साथ बैठक हुआ है। भारत और यूरोपीय यूनियन हिंद प्रशांत क्षेत्र में साझा हित के कारण ऐतिहासिक तौर पर करीब आते दिख रहे हैं। पिछले 2 दिन में स्वीडन से लेकर ब्रसेल्स तक, जो ब्रसेल्स जो है
बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स तक दोनों पक्षों के बीच बैठक का जो दौर चला है वह बता रहे हैं कि किस तरह भारत और यूरोपीय संघ तकनीकी से लेकर सैन्य सहयोग तक के मामले में साझा नज़रिए को अपनाने को तैयार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में बात करते हैं कि रूस का हवाई हमला यूक्रेन में 18 मिसाइल। देखिए रूस और यूक्रेन में लगातार क्या ना हमला अभी तक चल ही रहा है, तो ये बात किया गया है कि रूस ने यूक्रेन की राजधानी क्यूब को निशाना बनाकर भीषण हवाई हमला किया, लेकिन यूक्रेनी सेना ने क्या है 18 मिसाइलों को क्या ना मारकर गिरा दिया है। मतलब जो रसिया का जो 18 मिसाइल जो है उसको क्या किया गया है, मार दिया गया है। अब यहाँ पे मैच का हालचाल चलते, कल बहुत ही रोमांचक मैच हुआ मुंबई इंडियंस और क्या ना लखनऊ सुपर जायंट के बीच। तो ये 5 रनों से लखनऊ सुपर जायंट जो है मुकाबला क्या है ना जीत लिया था, जबकि क्या है ना मुंबई ने बहुत अच्छा क्या है ना बल्लेबाजी किया, लेकिन लास्ट में क्या है उनके बल्लेबाजी क्या है ना अच्छा नहीं रहा, लेकिन लखनऊ सुपर जायंट का जो बॉलर जो थे जिसमें मोहसिन जो कि लास्ट ओवर लेकर आया था बहुत ही तगड़ा बॉलिंग उन्होंने किया और इस मैच को क्या है ना वो जीत लिया। और लखनऊ सुपर जायंट इस मैच को जीतने के बाद प्ले ऑफ में जगह बनाने के लिए दावेदार हो गए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, विश्व चैंपियनशिप में मुझे खुद को साबित करना था हसामुद्दीन। अब यहाँ पे ये सब क्या है न्यूज जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके बारे में हम यहाँ पे ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो दोस्तों क्या है ना ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को क्या कीजिए, आप शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।